ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के कई सारे दोष भी हैं। जैसे ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है, ऊष्मा एवं कार्य के मध्य संबंध को दर्शाता है, परंतु अभिक्रिया संभव है या नहीं इस चीज को बताने में असफल रहा। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के कई सारे ऐसे दोष हैं, जैसे यहाँ पर जो तंत्र की ऊर्जा होती है वो तुल्य मात्रा में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित तो होती है, परंतु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए यह संभव होगा या कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इस बात को बताने में यह असफल रहा। ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है यह ऊष्मा एवं कार्य के मध्य संबंध को दर्शाता है, परंतु ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को यह नहीं बता पाता है। इसी तरह से जो अगला इसका दोष है वो ये भी है कि ऊष्मा कार्य में परिवर्तित होती है, जितना कार्य तंत्र द्वारा किया जा रहा है वो अवशोषित ऊष्मा के बराबर ही है, परंतु यह किन परिस्थितियों में होगा ये बता पाना संभव नहीं है। तो ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के कई सारे दोष हमने देखे। तो ऊष्मा कार्य के मध्य संबंध का पता है, परंतु अभिक्रिया संभव है या नहीं है ये पता नहीं चल पाता है, किन परिस्थितियों में अभिक्रिया हो पा रही है ये भी पता नहीं चल पाता है। तो ऊष्मा गतिकी के अन्य नियमों को समझने के लिए कई सारे और छोटे छोटे पद हैं जिन्हें हमें जानना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्वतः अभिक्रिया क्या होती है। स्वतः अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जो अपने आप होती रहती है, इसे करने के लिए किसी भी बाह्य कार्य की आवश्यकता नहीं होती है या कोई भी बाहरी साधन के बिना हेल्प के ही यह अभिक्रिया हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि झरने के पानी का नीचे आना, तो यहाँ जो स्वतः अभिक्रिया होती है इसे हम कह सकते हैं कि ये अपने आप होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं। तो जो स्वतः अभिक्रियाएं होती हैं उसमें कई सारे ऐसे भी उदाहरण आप देखेंगे जो अपने आप होती हैं, और कुछ ऐसे भी स्वतः अभिक्रियाएं होती हैं जो अपने आप संभव नहीं हो पाती हैं। तो स्वतः अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो एक ही दिशा में चलती हैं, लेकिन अगर इसे विपरीत दिशा में चलाना है तो इसमें कार्य करना पड़ता है। तो अपने आप होने वाली अभिक्रिया स्वतः अभिक्रिया है, इसे हम प्राकृतिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे झरने के जल का ऊपर से नीचे आना। दूसरा उदाहरण है कि गैस अगर दो अलग अलग पात्र में है, तो जैसे ही गैस का नेचर होता है विसरण का, तो गैस आपस में विसरित हो जाती है या दो गैसें आपस में मिल जाती हैं, तो ये अपने आप होने वाली क्रियाएं होती हैं। ऊष्मा का प्रवाह सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। अब हम जानेंगे अस्वतः अभिक्रियाएं। अस्वतः अभिक्रियाएं या इसे अप्राकृतिक अभिक्रियाएं भी कहते हैं, ये ऐसी अभिक्रियाएं होती है जो अपने आप नहीं हो सकती हैं, जो स्वतः नहीं होती है। तो इसको यदि स्वतः बनाना है तो इसमें कुछ कार्य करना पड़ता है। तो जो अस्वतः अभिक्रियाएं होती है या नॉन स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शंस होती हैं उनके भी कुछ उदाहरण हैं, जैसे जल का नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना। यदि हमें जल नीचे से ऊपर ले जाना है तो यहाँ भी बाह्य कार्य की आवश्यकता होगी। जब कभी भी हम अस्वतः अभिक्रिया के उदाहरणों को देखते हैं तो हमें यह भी जानना चाहिए कि ऊष्मा का प्रवाह अपने आप गर्म से ठंडे की ओर या ठंडे से गर्म की ओर किस प्रकार से होगा। जब भी हम चाय के कप की बात करते हैं तो उसमें चाय के कप से जो ऊष्मा होती है वो परिवेश की तरफ ऊष्मा का प्रवाह होने लगता है, यानी गर्म से ठंडे की ओर अपने आप होता है। लेकिन यदि चाय ठंडी हो जाती है उसे हमें गर्म करना होता है, उसके लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, हम उसे गर्म करते हैं, चाहे हम ओवन में गर्म करें चाहे हम गैस में रखकर उसे गर्म करें। तो ऊष्मा का प्रवाह यदि ठंडे से गर्म की ओर हो रहा है तो यहाँ भी हमें कुछ बाह्य कार्य की आवश्यकता होती है। तो जैसा हमने देखा कि स्वतः अभिक्रियाएं कुछ ऐसी भी होती हैं जो अपने आप होती रहती हैं, जिसे शुरू करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा जब कभी भी हम जल में शक्कर घोलते हैं तो अपने आप वो घुलने लगती है। यदि हम उसे बहुत देर तक ऐसे ही छोड़ देते हैं तो शक्कर अपने आप जल में मिल जाती है। इसी प्रकार
यदि हम दो गैसों को छोड़ देते हैं तो वो भी अपने आप विसरण करने लग जाती हैं। कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे कि खुले पात्र में यदि जल रखा हुआ है तो अपने आप उसमें वाष्पन होने लगता है। यदि उसे हम गर्म नहीं भी करते हैं तो भी खुले पात्र में यदि जल रखा है तो थोड़े समय के बाद आप देखेंगे कि वो उस जल की जो मात्रा है वो कम हो गई है, क्योंकि वहां पर वाष्पन होने लग गया। ये भी ऐसी स्वतः अभिक्रिया के अंतर्गत आएगी जिसे शुरू करने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ स्वतः अभिक्रियाओं के ऐसे भी उदाहरण हम जानेंगे जिसे शुरू करने की आवश्यकता होती है। तो देखिए, जब नल से पानी गिरता है तो हम उसके जो नॉब है उसको हम हिलाते हैं तब वो जल गिरने लगता है नल से। दूसरा है मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो मोमबत्ती अपने आप नहीं जलती, हम जलाते हैं तब वो जलती है। ईंधन का दहन होना, मतलब जब भी हम किसी ईंधन को जलाते हैं तब वह ईंधन जलना प्रारंभ होती है, और एक बार जब वह जल जाती है तो उसका स्वयं दहन होने लगता है। तो ईंधन को भी जलाने की आवश्यकता होती है। तो ये ऐसी स्वतः अभिक्रियाएं होती है जिसे शुरू करने की आवश्यकता होती है। अब हम ये जानेंगे कि जो स्वतः प्रवर्तिता होती है उस पर एंथैल्पी का क्या प्रभाव पड़ता है, कि क्या एंथैल्पी में होने वाली कमी स्वतः अभिक्रिया को प्रभावित करती है। तो इसके लिए हम कुछ ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के उदाहरण देखेंगे। तो ऐसा देखा गया है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ होती है प्रायः वे स्वतः ही होती हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया उस दिशा में होती है जिस दिशा में ऊर्जा में कमी होगी। तो यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में ही ऐसा संभव हो पाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कुछ उदाहरण देखिए। H2 और Cl2 यदि आपस में क्रिया करते हैं तो HCl का बनना होता है, तो यहाँ भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसे हम मान की दृष्टि से भी देख लेते हैं। हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 इज इक्वल टू HCl। डेल्टा H का जो मान है वो -92.32 किलो जूल पर मोल है। इसी तरह से H2 प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू H2O बना। मानक एंथैल्पी परिवर्तन का जो मान है वह मान यहाँ पर नेगेटिव ही प्राप्त हो रहा है, यानी यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को ही दर्शाता है। तो यहाँ पर जो डेल्टा H का मान है वो हमें प्राप्त होता है -285.8 किलो जूल पर मोल। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की स्वतः प्रवर्तिता के लिए जो एंथैल्पी में परिवर्तन हो रहा है, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन एक प्रेरक बल की तरह कार्य करता है। कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जिसमें हम देखेंगे कि जो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं, ऊष्माशोषी होते हुए भी वे स्वतः प्रवर्तित होती हैं। तो ऐसी भी अभिक्रियाएं हैं, तो इसको हम जानेंगे। तो देखिए, सी ग्रेफाइट के फॉर्म में यहाँ पर लिया गया है। सी प्लस 2s इज इक्वल टू CS2। डेल्टा H का मान 128.5 किलो जूल पर मोल है। N2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO, तो डेल्टा H का मान प्लस 66.4 किलो जूल पर मोल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं ये, इसके लिए डेल्टा H का मान देखिए पॉजिटिव प्राप्त हुआ। ऊष्माशोषी अभिक्रिया होने के बावजूद भी ये ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो कि अपने आप होती हैं, स्वतः प्रवर्तित होती हैं। डेल्टा H का मान जब शून्य होता है तो ऐसी अभिक्रियाएं भी स्वतः प्रवर्तित होती हैं। इसके भी कुछ उदाहरण हैं, जैसे यदि अम्ल और एल्कोहल को मिलाते हैं तो एस्टर प्राप्त होता है। दूसरा उदाहरण है कि जब भी गैसों को विसरित किया जाता है या दो गैसें जो आपस में क्रिया नहीं करती हैं उन्हें जब मिलाया जाता है तो वे आपस में मिश्रित हो जाती हैं, क्योंकि गैसों का गुण ही होता है विसरण का। तो दो गैसों को मिलाने पर उनका मिश्रित हो जाना, तो यहाँ पर भी जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान है वो शून्य ही प्राप्त होता है। तो यहाँ ये सारी अभिक्रियाएँ स्वतः प्रवर्तित होती हैं। स्वतः प्रवर्तिता में हमने देखा कि एंथैल्पी परिवर्तन में कमी या एंथैल्पी में होने वाली कमी किस तरह उसके लिए प्रेरक बल की तरह कार्य करता है, लेकिन कई उदाहरण ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहां पर एंथैल्पी परिवर्तन का स्वतः प्रवर्तिता से कोई संबंध नहीं होता है। तो इसके कुछ उदाहरण हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि दो अलग अलग गैसें ली गई और ऐसी गैसेस को लिया जा रहा है यहाँ पर जो आपस में क्रिया नहीं करती हैं। दोनों गैसें एक दूसरे से पृथक हैं। जैसे ही इस कॉर्क को खोला जाएगा
ये गैसें आपस में विसरित होने लगती हैं और ये तब तक इनका विसरण चलता रहता है जब तक दोनों बल्ब में साम्यावस्था की स्थिति नहीं आ जाती है। अर्थात दोनों जो बल्ब है, यानी ए गैस वाला बल्ब और बी गैस वाला बल्ब, ये दोनों ही एक दूसरे में विसरित हो जाती हैं। अब जब हम देखेंगे, जब साम्यावस्था की स्थिति आती है तो दोनों ही तरफ दोनों गैसों का मान समान रूप से है, क्योंकि दोनों विसरित हुई हैं। एक ए से बी की तरफ भी गैस का प्रवाह हुआ है और बी से ए की तरफ भी गैस का प्रवाह हो रहा है। तो यहाँ पर एंथैल्पी परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है स्वतः प्रवर्तिता पर। यहाँ पर हम देखेंगे कि चूँकि गैस का विसरण हो रहा है तो अव्यवस्था बहुत अधिक बढ़ रही है, रैंडमनेस बढ़ रहा है। तो ये जो फैक्टर है वो यहाँ स्वतः प्रवर्तिता के लिए जिम्मेदार है। इसी तरह से जब भी हम एक बीकर में जल लेकर उसमें स्याही की कुछ बूंदें डालते हैं तो हम देखते हैं कि उस बीकर में पूरा जो स्याही है, वो जिस भी रंग का स्याही होगा, बीकर का जो जल है वह भी स्याही के रंग का ही हो जाता है। भले ही यह क्रिया बहुत धीमी गति से होती है, लेकिन कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि जो बीकर में रखा हुआ जल है वह स्याही के रंग का हो जा रहा है। तो ये जो क्रिया है ये भी अव्यवस्था को दर्शाता है, क्योंकि जैसे ही स्याही की एक बूंद को जल में डाला गया तो सारे जो कण हैं वो विसरित हुए। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं अव्यवस्था बढ़ रही है, यादृच्छता बढ़ रही है। तो किसी भी तंत्र में जो यादृच्छता बढ़ना या किसी भी तंत्र में अव्यवस्था का बढ़ना, अव्यवस्था की मात्रा का अधिक हो जाना, यहाँ से एक नए टर्म की शुरुआत होती है और वो है एंट्रोपी। तो कुछ ऐसे और भी उदाहरण हैं, हम देखते हैं जहाँ अव्यवस्था बढ़ती है। जैसे 2HGO से 2HG प्लस O2 का बनना, तो 2HGO या HGO जो है वो यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है और HG गैसियस फॉर्म में है और ऑक्सीजन तो गैस ही है। सॉलिड से गैस की तरफ जा रहे हैं, जो इसके पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से आकर्षण से मुक्त है, अव्यवस्था अधिक है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अव्यवस्था बढ़ रही है। दूसरा उदाहरण है अमोनियम क्लोराइड, जो कि सॉलिड स्टेट में है। जैसे ही उसको जल में घोला जाएगा, यानी उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो अपने आयनों में विभक्त हो रहा है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि अव्यवस्था बढ़ रही है, क्योंकि सॉलिड स्टेट था, सॉलिड से एक्वस और गैसियस स्टेट में आ रहे हैं। तो जैसे जैसे अव्यवस्था बढ़ रही है, तो अव्यवस्था बढ़ने से इस तंत्र की जो स्वतः प्रवर्तिता है वह भी प्रभावित होगी। तो यहाँ पर हम एक नए टर्म को पढ़ेंगे, वह है एंट्रोपी। इसे S से दर्शाया जाता है। यह ऊष्मागतिकी का एक ऐसा पद है जो तंत्र की अव्यवस्था की माप होती है, या हम कहें कि यादृच्छता की माप या अव्यवस्था की मात्रा को मापने का एक पद है। तो जितना ज़्यादा तंत्र अव्यवस्थित होगा, एंट्रोपी का मान उतना ही अधिक होता है। एंट्रोपी एक अवस्था फलन होती है। एंट्रोपी पद को S से दर्शाया जाता है, जो प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है किसी भी तंत्र के। जो प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर करे, ऐसे जो गुण होते हैं उसे हम अवस्था फलन के रूप में नापते हैं। केवल एंट्रोपी का मापन करना संभव नहीं हो पाता है, सदैव हम एंट्रोपी परिवर्तन का मापन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी मापनीय नहीं है, लेकिन एंट्रोपी परिवर्तन मापनीय है। जब हम एंट्रोपी की बात करते हैं तो S होता है, और जब हम एंट्रोपी परिवर्तन की बात करेंगे तो वह होगा डेल्टा S। तो डेल्टा S बराबर होगा अंतिम अवस्था में एंट्रोपी परिवर्तन माइनस प्रारंभिक अवस्था में एंट्रोपी परिवर्तन। तो चूंकि एंट्रोपी परिवर्तन के द्वारा हम ये माप सकते हैं कि किस तरह से किसी भी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो एंट्रोपी परिवर्तन को समझने के लिए हम एक बहुत अच्छा उदाहरण लेते हैं जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम जल की तीन जो अलग अलग भौतिक अवस्था है, जल ठोस के रूप में है तो बर्फ, और यदि जल वाष्प को लें तो तीनों जल का ही रूप है। यहाँ H2O के फॉर्म में ही इसे हम लेंगे, रासायनिक संगठन इस सभी का H2O ही होगा। लेकिन किस में अव्यवस्था सबसे अधिक होगी? सबसे पहले व्यवस्थित हम स्ट्रक्चर को देखेंगे तो जल का जो
ठोस रूप है यानी बर्फ। तो बर्फ में सभी पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत अधिक आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है, एंट्रोपी का मान कम होगा। दूसरी स्थिति आती है जब बर्फ पिघलने लगता है, यहाँ पर कणों के मध्य जो आकर्षण बल है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो जब आकर्षण बल कम हो गया, कण इधर उधर जाने लगते हैं, तो अव्यवस्था बढ़ती है, तो एंट्रोपी का मान बढ़ेगा। तो ठोस अवस्था से जब हम द्रव अवस्था में आते हैं तो एंट्रोपी का मान बढ़ेगा, और जब हम जल को गर्म करते हैं तो यही जल वाष्प में परिवर्तित होता है। तो जल जब वाष्प में परिवर्तित होता है, तो वाष्प में परिवर्तित होने पर उसमें कणों के मध्य जो आकर्षण बल है वो और कम हो जाता है, अव्यवस्था और अधिक हो जाती है, तो एंट्रोपी का मान बढ़ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे किसी भी तंत्र की अव्यवस्था बढ़ती है, वैसे वैसे उस तंत्र के लिए एंट्रोपी का मान भी बढ़ता जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे तापमान बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे एंट्रोपी में भी वृद्धि होती है। जैसे हमने देखा कि ठोस के रूप में जो बर्फ़ लिया गया है, उसमें जैसे ही टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं, वो द्रव रूप यानी जल में परिवर्तित होता है। जल में जैसे हम टेम्परेचर देते हैं, वो जल वाष्प में परिवर्तित होता है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे एंट्रोपी में भी वृद्धि होती है। तो एंट्रोपी को यदि हम परिभाषित करते हैं किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए, तो वो इस प्रकार होगा कि स्थिर ताप पर उत्क्रमणीय विधि द्वारा किसी परिवर्तन में एंट्रोपी परिवर्तन अर्थात डेल्टा एस तंत्र की ऊष्मा में परिवर्तन एवं ताप का अनुपात होती है। अर्थात इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा एस बराबर क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो ये दोनों का अनुपात है, यानी किसी भी उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए तंत्र को टी तापमान पर दी गई ऊष्मा, तो Q रिवर्सिबल अपॉन T के रूप में हम डेल्टा S को व्यक्त कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पर जो Q रिवर्सिबल है, इसके लिए हम ले सकते हैं मात्रक जूल और टेम्परेचर को हम केल्विन में ले सकते हैं, तो एंट्रोपी परिवर्तन के लिए जो मात्रक होगा वो होगा जूल प्रति केल्विन। एंट्रोपी परिवर्तन को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि जहां पर कुछ रिएक्शंस दिए होते हैं और इसे पहचानना होता है कि तंत्र की एंट्रोपी बढ़ रही है या घट रही है। तो हमें केवल ये ध्यान दे रहे हैं कि व्यवस्था कब अधिक है। यदि व्यवस्था अधिक है तो एंट्रोपी का मान कम होगा, व्यवस्था यदि कम है यानी अव्यवस्था की मात्रा ज़्यादा है तो एंट्रोपी में भी वृद्धि होगी। तो हम कुछ उदाहरण से इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं तना हुआ रबर और ढीला रबर। एक हम तना हुआ रबर ले रहे हैं, तो तना हुआ रबर यानी व्यवस्थित है, जैसे उसे हम ढीला छोड़ देते हैं तो उसके कणों के मध्य आकर्षण बल थोड़ा सा कम हो जाता है, तो अव्यवस्था बढ़ जाएगी, अव्यवस्था बढ़ेगी तो एंट्रोपी का मान बढ़ेगा। तो तने हुए रबड़ के लिए व्यवस्था अधिक है तो एंट्रोपी का मान कम होगा। दूसरी अवस्था ले लेते हैं, यदि हम जल को बर्फ में परिवर्तित करें, तो जल को जैसे जैसे हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं वह बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। जल में कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत कम है, और जैसे जैसे हम वो सॉलिड स्टेट में परिवर्तित होता है उसमें आकर्षण बल बढ़ता रहता है, तो अव्यवस्था यहाँ पर कम होने लग गई, व्यवस्थित जो क्रम है वो हमें प्राप्त होने लग गया, तो यहाँ एंट्रोपी में कमी आई। अगला उदाहरण हम लेते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जब वाष्प अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होती है या कार्बन डाइऑक्साइड के वाष्प रूप में परिवर्तित होती है, तो वहाँ पर एंट्रोपी के मान में वृद्धि होगी, क्योंकि ठोस से वह गैस में परिवर्तित हो रहा है। तो जब ठोस से गैस में परिवर्तित हो रहा है, अव्यवस्था का मान बढ़ता जाएगा, अव्यवस्था का मान बढ़ेगा तो एंट्रोपी का मान भी बढ़ेगा। जब हम प्राकृतिक अंडे को उबालते हैं तो वह ठोस रूप ले लेता है, तो जब वह ठोस रूप ले लेता है तो व्यवस्थित हो जाता है, तो यहाँ पर एंट्रोपी कम हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण के उदाहरण से भी इसे समझ सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जल क्रिया करके ग्लूकोज फॉर्म करते हैं और ऑक्सीजन गैस निकलती है। चूंकि यहाँ ग्लूकोज फॉर्म होता है C6H12O6, तो ये सॉलिड स्टेट में है, तो यहाँ पर व्यवस्था बढ़ रही है। जब व्यवस्था बढ़ेगी तो एंट्रोपी का मान कम होगा। तो एंट्रोपी के मान
उसका जो पूरा संबंध है वो तंत्र की व्यवस्था पर निर्भर करती है। जैसे जैसे तंत्र में अव्यवस्था का मान बढ़ेगा, यादृच्छिकता बढ़ेगी या रैंडमनेस बढ़ेगा, तो एंट्रोपी का मान भी बढ़ता जाता है।